हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की सीरीज में मैं ये अगला वीडियो अगले ज़िले पर लेके आया हूँ, जो कि मध्य प्रदेश के ज़िले के ऊपर है और ये ज़िला है अनूपपुर। मैं पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और हर ज़िले वाइज मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मैंने दी है। आप उन सभी वीडियोस को देखकर मध्य प्रदेश के हर ज़िले के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो उसको आप लाइक करना ना भूलें और अपने सभी ग्रुप पर इसको शेयर करें। और अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश का अगला ज़िला है जो कि अनूपपुर है, उसके बारे में ये पूरा विस्तार पूर्वक इसमें जानकारी होगी और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और अनूपपुर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स में, इस ज़िले से कई क्वेश्चंस बनते हैं और पहले भी बने हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अनूपपुर ज़िले के बारे में जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आए उनको आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस ज़िले को मैं शुरू करता हूँ जो कि अनूपपुर ज़िला है। अनूपपुर ज़िला, अनूपपुर ज़िले का जो पहला पॉइंट मैंने लिया है वो देखते हैं। अनूपपुर ज़िला 15 अगस्त 2003 को ये ज़िले के रूप में अस्तित्व में आया था और इससे पहले ये अनूपपुर ज़िला शहडोल ज़िले की एक तहसील हुआ करता था। जो शहडोल ज़िला है उसकी एक तहसील हुआ करता था, शहडोल ज़िले से इसको अलग करके अलग किया गया। और इसको अलग कब किया गया? 15 अगस्त 2003 को, 15 अगस्त 2003 को इसको अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया अनूपपुर। आइए अनूपपुर को मानचित्र के अनुसार समझते हैं। अनूपपुर ज़िला इसका जिसका मुख्यालय कहाँ है? अनूपपुर में ही है। ये अनूपपुर ज़िले का मानचित्र है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया है। पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ये अनूपपुर ज़िले में जितनी भी तहसील हैं जो मैंने इसमें दर्शाई गई हैं, जैसे कोटमा है, अनूपपुर है, जिथारी है, पुष्पराजगढ़ है और वसीना है, तो ये सब अनूपपुर ज़िले की तहसीलें हैं जिनको क्रमबद्ध तरीके से आने वाले अभी जो वीडियो में बना रहा हूँ इसमें आपको आगे भी मिलेगी इसके बारे में जानकारी। तो आप इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अनूपपुर ज़िला शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। शहडोल संभाग जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है शहडोल संभाग, है ना। और इसमें तीन ज़िले आते हैं, कौन कौन से? अनूपपुर, उमरिया और कौन सा ज़िला आता है? शहडोल। स्वयं शहडोल भी एक ज़िला है, अनूपपुर भी है और उमरिया है, तो ये तीन ज़िलों से मिलकर शहडोल संभाग बना है। और इस शहडोल संभाग में अनूपपुर ज़िला, जैसे कि इसमें बताया गया है, अनूपपुर ज़िला भी इसमें आता है। मैं बता चुका हूँ आपको शहडोल संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल देखें, अनूपपुर ज़िले का ये क्षेत्रफल है कितना है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ये 3,747 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है इसमें अनूपपुर ज़िला का ये क्षेत्रफल है। अनूपपुर ज़िले का लिंगानुपात कितना है? 1,000 पुरुषों के ऊपर 976 महिलाएँ, ये अनूपपुर ज़िले का अनुपात है, लिंगानुपात। आइए अब समझते हैं जनघनत्व, जनसंख्या की दृष्टि से अनूपपुर ज़िले का जो जनघनत्व रहा है वो है 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक ये इसका जनघनत्व है। और इसी तरीके से लिंगानुपात भी जो है 976 महिलाएं 1,000 के ऊपर, ये जो आंकड़े हैं ये चाहे लिंगानुपात हो या जनघनत्व हो, ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है। हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो अगली जो जनगणना होगी वो 2021 में होगी। तो जितने भी आंकड़े एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार के जो आंकड़े होंगे उसके अनुसार ये पूछे जाते हैं। तो जनघनत्व जो कि अनूपपुर ज़िले का कितना है जनसंख्या की दृष्टि से? 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी तरीके से लिंगानुपात कितना है? 976 1,000 पुरुषों के ऊपर जो महिलाएँ हैं ये उसका लिंगानुपात है। साक्षरता देख लेते हैं, ये भी 2011 की जो जनगणना के आंकड़े हैं उसके अनुसार ये साक्षरता है अनूपपुर ज़िले की 67.9%
साक्षरता लिटरेसी रेट है, और ये महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर है, ठीक है ना, महिलाओं का और पुरुषों का मिलाकर जो साक्षरता की दर है वो है 67.9%। अनूपपुर जिले की तहसील है, जैसे कि मैं पहले भी मानचित्र में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे भी समझ सकते हैं अपन, अनूपपुर स्वयं एक तहसील है, पुष्पराजगढ़, कोतमा और जेथरी, तो ये चार तहसीलें हैं जो कि अनूपपुर ज़िले के अंतर्गत आती हैं। ये कोतमा है, ठीक है ना, उत्तर पूर्व में लगी हुई, अनूपपुर स्वयं एक तहसील है, ठीक है ना, और पुष्पराजगढ़ और जेथरी, तो ये चार तहसीलें हैं जो कि अनूपपुर ज़िले के अंतर्गत आती हैं। आइए अब समझते हैं विकासखंड के बारे में। विकासखंड भी चार हैं जो कि चार तहसीलें हैं, उन चार तहसीलों को ही विकासखंड खंड में भी विभाजित किया है। तो विकासखंड भी अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, कोतमा और जेथरी, ये चारों विकासखंड भी हैं और चारों ये तहसीलें हैं अनूपपुर ज़िले की। आइए अब समझते हैं अनूपपुर ज़िले के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं, उन सभी फैक्ट्स को मैंने स्लाइड वाइज इसको कवर किया है। आपको मैं एक एक करके सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको मैं कवर करूँगा इसमें। पहला जो पॉइंट लिया है वो है अमरकंटक अनूपपुर ज़िले की पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है, जो अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से कि नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, उस नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, तो इसलिए अमरकंटक एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अनूपपुर ज़िले का ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है अमरकंटक, तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो जो अमरकंटक है ये अनूपपुर ज़िले की पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, और ये पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है और मैकाल पर्वतमाला, ठीक है ना, पुष्पराजगढ़ तहसील और मैकाल पर्वतमाला इन दोनों के मध्य में स्थित है ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। अगला पॉइंट लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अनूपपुर ज़िला इसमें जो देश का पहला जनजाति है, ध्यान रखिएगा, जनजातीय विश्वविद्यालय यहीं पर स्थापित किया गया था, और किस नाम से है ये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन में आ जाता है, आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा, देश का ये पहला है, देश का पहला जनजातीय जो विश्वविद्यालय है वो अनूपपुर ज़िले में ही स्थापित किया गया। इसके अलावा और भी जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए अन्य राज्यों में, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें अनूपपुर ज़िले में ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि देश का पहला था, वो जनजातीय विश्वविद्यालय था, माफ़ कीजिएगा, पहला जनजातीय विश्वविद्यालय था जो कि अनूपपुर ज़िले में स्थापित किया गया था, और वो भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम पर ये स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, नर्मदा नदी का और सोन नदी का जो उद्गम है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, अमरकंटक की पहाड़ी से ये दोनों नदी का उद्गम हुआ है। उद्गम भी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश की नदियाँ, नर्मदा नदी हो चाहे सोन नदी हो, इनके बारे में उद्गम के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो नर्मदा नदी और सोन नदी इन दोनों नदियों का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, और नर्मदा नदी का कहाँ से हुआ है, सूर्यकुंड, सूर्यकुंड को नर्मदा नदी का उद्गम कहते हैं, और सोनमुड़ा को सोन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, सोनमुड़ा एक जगह है वहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियों में, इसी तरीके से सूर्यकुंड भी एक स्थान है जहाँ से कि नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, और सोनमुड़ा से सोन नदी का उद्गम हुआ है, और ये दोनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती हैं। अगला पॉइंट समझते हैं, अनूपपुर ज़िले की प्रमुख खनिज है, अनूपपुर ज़िले में जो प्रमुख खनिज हैं वो कौन कौन से हैं, कोयला, बॉक्साइट और फायर किले, ठीक है ना, अनूपपुर खनिजों के मामले में बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं अनूपपुर ज़िले में, और यहाँ पर कौन कौन से, कोयला पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है और फायर किले, तो ये तीन खनिज अनूपपुर ज़िले में प्रमुखता से पाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सोन नदी के बारे में, सोन नदी का नाम सोन नदी क्यों पड़ा, क्योंकि सोन नदी की जलधारा में सोने के कण मिलते हैं, ठीक है ना, सोने के कण मिलने के कारण इसका नाम सोन नदी पड़ा था, ठीक है ना, और यहाँ पर सोने के कण इस नदी की जलधारा में प्राप्त हुए हैं, इस कारण से इसका नाम सोन नदी पड़ा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इसके साथ में बताना चाहता हूँ आपको, नर्मदा नदी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है, और सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा नदी है, और ये कितनी दूरी तक बहती है, ये 1077, ठीक है, 1077
किलोमीटर, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है, नहीं नहीं तो 13-12, ठीक है ना, 1312 किलोमीटर ये पूरी नदी के प्रवाह है, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात में होकर ये बहती है। उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 1077 किलोमीटर, यानी कि सबसे अधिक लंबी दूरी की जो जो प्रवाह है वो मध्य प्रदेश में ही है नर्मदा का, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसी तरीके से सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ और बिहार उत्तर प्रदेश में होती हुई ये आगे प्रवाहित होती है, ठीक है ना, और ये उत्तर प्रदेश और माफ़ कीजिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में, छत्तीसगढ़ में नहीं जाती है ये, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती है ये, सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश, फिर भी ये बिहार में जाकर ये यमुना नदी है या कौन सी नदी है, किसी एक नदी में जाके ये उसकी सहायक नदी बनती है ये, ठीक है। तो ये सोन नदी है। इसी तरीके से जो मैंने बताया कि ये यहाँ पर जलधारा में सोने की कण होने के कारण इसका नाम सोन पड़ा था, सोन नदी का। अगला जो पॉइंट है वो है अमरकंटक की पहाड़ियों पर जो नर्मदा का मंदिर है, नर्मदा का मंदिर यहाँ पर निर्माण कराया था, और नर्मदा का मंदिर स्थित है, वो किसने निर्माण करवाया था, नागपुर के भोसले राजाओं ने, नागपुर के जो भोसले राजा थे, भोसले जो वहाँ की जाति थी और वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने अमरकंटक की पहाड़ियों पर नर्मदा के मंदिर का निर्माण कराया था। अगला पॉइंट है अनूपपुर में ही अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन है, थर्मल, ठीक है ना, थर्मल यानी कि ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर के अमरकंटक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना, इसका नाम ही अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन है। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है अमरकंटक की त्रिमुखी शिव मंदिर, ठीक है ना, त्रिमुखी शिव मंदिर का जो शिखर है ये कलचुरी जो शासक थे उनके जो राजा थे कर्णदेव, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। त्रिमुखी शिव मंदिर का जो शिखर है उसकी जो गुम्बद है, गुम्बद का निर्माण किसने कराया था, कलचुरी शासक के जो राजा थे, कलचुरी जो शासक थे उनके जो राजा थे कर्णदेव, ठीक है ना, उन्होंने इस शिखर का निर्माण करवाया था, किसका, त्रिमुखी शिव मंदिर का जो शिखर है उसका। अगला पॉइंट, भृगु ऋषि की गुफा भी यहीं पर स्थित है अनूपपुर ज़िले में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि भृगु ऋषि की गुफाएँ कहाँ पर स्थित हैं, तो वो है अनूपपुर ज़िले में, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ये सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, और अपने कमेंट के माध्यम से राय ज़रूर बताएं कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय का मैं उत्सुकता से इंतजार करता हूँ, आप अपनी राय अवश्य दें। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, कपिलधारा जलप्रपात, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कपिलधारा जलप्रपात के बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। कपिलधारा जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है ना, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये कहाँ पर, अमरकंटक के जो सूर्यकुंड है, सूर्यकुंड जहाँ से कि नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है ना, उससे 6 किलोमीटर दूर ये जलप्रपात है, ठीक है ना, सूर्यकुंड में नर्मदा नदी का उद्गम हुआ और उससे 6 किलोमीटर आगे चलकर कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण होता है, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है ना, और यहीं पर कितना 100 फीट गहरे जो खड्डा है वहाँ पर ये आकर गिरती है, 100 फीट गहरा जो खड्डे का निर्माण करती है जलप्रपात पे, ठीक है, और एक मनमोहक जलप्रपात है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जलप्रपात का यहाँ पर निर्माण होता है। कपिलधारा जलप्रपात एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है, और ये सूर्यकुंड जो कि यहाँ से कि नर्मदा नदी का उद्गम है उसके तुरंत पश्चात 6 किलोमीटर की दूरी पर ये कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण होता है, ठीक है, और ये 100 फीट गहरे खड्ड में यहाँ पर नर्मदा गिरती है, ठीक है ना, इतनी ऊँचाई से ये गिरती है और इस जलप्रपात का यहाँ पर निर्माण होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है ना, उन मंदिरों में 24 नवीन व प्राचीन सभी मिलाकर 24 मंदिर हैं जो कि उन पहाड़ियों पर स्थित हैं, जिसमें कि प्राचीन मंदिरों में कब बनवाए गए थे, ये 10वीं तथा 11वीं शताब्दी में ये इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, और किसने करवाया था, कलचुरी वंश के शासकों ने, यहाँ पर कलचुरी वंश ने शासन किया है अमरकंटक में, अनूपपुर ज़िले की तरफ में, तो यहाँ पर जितने भी मंदिर का निर्माण करवाया है
कलचुरी वंश के शासकों ने यहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण करवाया है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ अनूपपुर जिले के जो प्रमुख स्थल हैं, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, प्रमुख स्थलों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप इनको भी बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से याद कर लें। बार बार दोहराएंगे तो पक्का है ये आपको याद हो जाएंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो पक्का है आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या, अमरकंटक स्वयं भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जेथरी, ठीक है, नर्मदा और सोन नदी द्वारा बनाए गए जलप्रपात जैसे कि कपिलधारा, दुग्धधारा, शुंभधारा, दुर्गधारा जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी के ऊपर में और सोन नदी के ऊपर बनाए गए हैं, तो इन प्रपातों के बारे में भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इनको आप बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से याद कर लें कौन कौन से जलप्रपात हैं, कपिलधारा, दुग्धधारा, शुंभधारा, दुर्गधारा आदि जलप्रपात हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से माइकी बगिया एग्जाम में पूछ लिया जाता है, माइकी बगिया कहाँ पर है, ये अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ियों पर है, ठीक है ना। इसी तरीके से माई का मंदिर ये भी पूछा जाता है, और सोनमुड़ा का सनसेट, सोनमुड़ा ये कहाँ पर है, ये सोन नदी का उद्गम है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सोनमुड़ा से हुआ है, वहाँ का जो सनसेट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों पर। इसी तरीके से भृगु ऋषि की गुफा ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि अनूपपुर ज़िले में आते हैं और एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं, आप बिल्कुल इनको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था अनूपपुर ज़िला जिसके बारे में मैंने विस्तारपूर्वक आपको जानकारी दी, ये स्टैटिक जीके है अनूपपुर ज़िले का, और इसमें मैंने पूरा स्टैटिक जीके जो अनूपपुर ज़िले में आता है मैंने कवर किया है। इसके अलावा और कोई अनूपपुर ज़िले में अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से वो हम उससे पूछ सकते हैं, मैं उसकी जानकारी भी पूरी तरीके से दूंगा। और मेरा वीडियो आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएँ। और आने वाले जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि जितने भी वीडियो जो मैं बनाऊंगा उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे और जिससे कि वो वीडियो आप देख पाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो अनूपपुर ज़िले के ऊपर, आप इसके बारे में राय अवश्य दें। इसी के साथ में मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।